नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने अभी हाल ही में सभी को चौंकाते हुए ये बताया कि वो T20I वर्ल्ड कप 2021 के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट को अलविदा कह दें। जैसे ही टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने इस बात का ऐलान किया, वैसे ही पूरी दुनिया हैरान रही। विराट कोहली के इस फैसले पर हर तरफ से प्रतिक्रियाएं आने लगी। अब विराट कोहली के इस फैसले पर वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ब्रायन लारा ने कहा कि कोहली के इस फैसले से वो हैरान थे, क्योंकि लारा के मुताबिक बतौर कप्तान कोहली का काम अच्छा रहा। दरअसल पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर ये बातें कही जा रही थी कि T20 वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली T20 फॉर्मेट से कप्तानी छोड़ दें। हालांकि BCCI ने इस बात का खंडन कर इसे अफवाह करार दिया था। हालांकि कप्तान कोहली ने इसके कुछ दिन बाद ही सभी को चौंकाते हुए ये बता दिया कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के बाद T20 फॉर्मेट में कप्तानी को वो टाटा गुड बाय कह दे। अब इस बात पर विंडीज दिग्गज ब्रायन लारा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। cricket.com से खास बातचीत में लारा ने कहा कि मैं हैरान था, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कोहली ने सभी बड़े देशों के खिलाफ खेला। कोहली ने दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड उन सभी को हराकर जबरदस्त काम किया। लारा ने यह भी कहा कि कप्तान के रूप में ये उनका पहला T20 वर्ल्ड कप। इसके बाद वो T20 फॉर्मेट में बतौर कप्तान करियर समाप्त कर दें। जिस तीव्रता के साथ वो खेलते हैं, मुझे लगता है कि कभी कभी एक कदम दूर होना बेहतर होता। इससे ध्यान खेल के दूसरे प्रारूप पर होता है। आपको बता दें, टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का T20 में बतौर कैप्टन रिकॉर्ड शानदार रहा। हालांकि ये पहली बार है जब वो T20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की अगुवाई करें। बहरहाल उनके पास अपनी कप्तानी का कौशल दिखाने का अच्छा मौका होगा। बता दें, T20 वर्ल्ड कप का आगाज 17 अक्टूबर से होने जा रहा है। टीम इंडिया 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इस खबर में फिलहाल इतना। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।